नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आपको दिखाने जा रही हूँ एक नौकरी ऐसी भी जिसमें ये लोग जो है लोगों की शादियों को सफल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, शानदार बनाते हैं। शादी में बारात में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम बैंड बाजा लाइट इन सब की व्यवस्था करते हैं। वो लोग रात में, ये देखिए बज रहा है 12:23:52 हो रहा है, और मतलब ठीक समझिए कि 12 बजने में कुछ 8 मिनट बज गए हैं। एकदम ठंड है, ऐसी वाली ठंड कि आपके दांत जो है वो आपको कटकटाने लगेंगे, वैसी वाली ठंड है। और ऐसे में जो है चाचा लोग जो है वो घर की तरफ निकले हैं, इनको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो रोड किनारे पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। कहाँ बारात में गए थे? सुकरौली। और अभी कहाँ खड़े हैं? अभी जगह नहीं मालूम है। कितना दूर पैदल चल रही है? 1 किलोमीटर पैदल चले हैं अभी। अभी कितना दूर चलेंगे? अब कहाँ पैदल जाएंगे, ये रुकेंगे, अब कोई साधन मिलेगा तो जाएंगे। जी, समझ में नहीं आ रहा कि गोरखपुर कितना दूरी है। गोरखपुर कितना दूर है? 16 किलोमीटर लिख रहा है। हाँ, तो अगर नहीं मिलता है साधन तो कई बार पैदल पैदल भी जाते हैं आप लोग? जी, तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ता है। ये देखिए, ये लोग, इन लोग का जो झोला है वो काफी भारी है। इसमें क्या है बाबू? घोड़ा, लकड़ी का कटघोड़ा नाच वाले। तो ये शादी में ले गए थे बेटा? हाँ जी। अच्छा, कौन सी शादी में गए थे? है? कौन सी शादी में? लड़के की शादी में। लड़की की शादी? लड़का ना। लड़की की शादी तो कितना पैसा मिलता है हम लोगों को? 500। और तुम क्या बनते हो उसमें? बालू। पर तुम तो इंसान हो जी। बस रुकी नहीं। वो भी बस रुके नहीं, रोका है कोई? क्यों बस नहीं रोकते हैं? अब पता नहीं क्यों नहीं रोकते हैं लोग, रात में नहीं रोकते हैं। जी, रात का 12 बज रहा है और एकदम सुनसान सड़क है, बस गाड़ियां हैं जो अपनी रफ्तार में बड़ी तेजी से निकल जाती हैं, और चाचा लोग हाथ देते रह जाते हैं लेकिन तब भी बस वाले नहीं रुकते हैं। उनको भी डर है कि पता नहीं आप लोग कौन है क्या जी है, इसलिए नहीं रोकते हैं। हमको गोरखपुर पहुंच जाएंगे तो ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे घर। कहाँ है घर आपका? मऊ जी। लेकिन गोरखपुर तो दूर है अभी? हाँ, गोरखपुर यहाँ से 16 किलोमीटर बता रहे हैं, इधर लिखा हुआ है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि तो पर आदमी को 500 रुपया जी, तो ये काम क्यों करते हैं? मतलब हमारा ये सट्टा जो बारात करते हैं 6,000, 7,000, 8,000 जैसे मार्केट में मिल जाता है वैसे बारात करते हैं। में शेर है, भालू है, घोड़े है। तो ये शादी में जो लाइट चलता है वो नहीं है, ये क्या चीज़ है बताइए? ये कार्टून है। कार्टून है जी। तो शादी में छोटे बच्चों के लिए जो मिक्की माउस बनते हैं और जो बनते हैं जो बच्चों से हाथ मिलाते हैं वो वाला जी है। तो आप क्या बनते हैं? मैं तो बनता हूँ शेर। शेर? शेर। अरे बाप रे, तो दहाड़ देते हैं? दहाड़ देते हैं। दहाड़ी एक बार? दहाड़ नहीं एक बार। हाँ। अरे जब ड्रेस रहेगा तब तो दहाड़ेंगे, इस तरह का ड्रेस रहेगा तब दहाड़ेंगे, ऐसे नहीं दहाड़ पाएंगे। अभी कैसे दहाड़ेंगे, अभी तो आप गीदड़ बने हुए हैं ठंडी के मारे। ठंड के मारे ऐसे तो शेर बनते हैं, लेकिन इतनी ठंडी है कि भैया गीदड़ बन गए हैं ठंडी के मारे। ठंड के मारे गीदड़ बना हूँ तो भाई क्या करूँगा, ठंडी बहुत है, ठंडी ज्यादा है, अब ठंड से गीदड़ तो बनना ही पड़ेगा हमको। आज थोड़ा कम है जी, आज कम है, लेकिन 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा ठंडी। पर जिनके सर पे छत नहीं उनके लिए आज भी बहुत ठंड है जी, ठंड है। लेकिन एक नौकरी ऐसी जिसमें आप दूसरे के समारोह को तो खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन उस समारोह से लौटते वक्त आपकी जो हालत होती है वो देखने लायक होती है जी। तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं? कहिए, मुस्कुराने का बात ये है कि कमाने निकले हैं ना, पसीना नहीं गिराएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा जी, पसीना से पैसा कमा कर खाते हैं, खड़े हैं और आगे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको रोक रहे हैं। बेटा तुम कितने साल के हो? 15 साल। 15 साल के? तो घर वाले चिंता नहीं करते हैं इतना दूर इतना बाहर आए हो? नहीं, पूछ के आते हैं, बता के आते हैं ना, पूछ के आते हैं। ये लोग कौन हैं तुम्हारे? चाचा भाई है सब हैं। चाचा भाई हैं। और तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? साइकिल बनाते हैं। और दूसरा कोई बड़ा भाई है कि नहीं है? है। वो क्या करता है? जनरल स्टोर की दुकान देखता है। तो दो लोग काम करते हो तो तुम क्यों काम करते हो फिर? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? पढ़ाई इस समय छुट्टी चल रहा है ना हम लोगों का, एक आध दो दिन छुट्टी है तो कहें चलो कमा लिया जाए कुछ पैसा। पैसा जो छुट्टी रहता है तो आके हमारे साथ में कमा लेते हैं लोग। हाइट्रेक वाले लोग नहीं रोकते हैं? नहीं, नहीं नहीं रोकते हैं लोग, नहीं रोकते।
एक ट्रक वाला लेकर आया वहाँ से सुकरौली से यहाँ तक और यहीं उतार दिया है। तो ये बताइए कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि जो सट्टा बंधा गया वो वहाँ आप लोग अपना जो काम है वो कर दिए, उसके बाद वो उतना देवे नहीं किए? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम जाते हैं हमने जो जवान से हो गया बात उतना मिल जाता है। तो कैसे आए थे मऊ से आप लोग? मऊ से हम लोग ट्रेन से आए थे, ट्रेन से आए फिर उनके घर गए, उनके घर से फिर बारात लेकर यहाँ आए, बारात लेकर के अब छोड़े हैं। तो सोचे हैं साधन मिल जाएगा सवेरे पहुँच जाएंगे घर, तो साधन ही नहीं मिल पाया। कितने दिन से निकले हुए हैं? अब परसों के निकले। परसों का निकले जी। और कार्यक्रम आज रात में था? नहीं, एक तो कर चुके हैं, दूसरा था कल हुआ था एक कार्यक्रम। किधर था कल? वहाँ था न पिपराइच। हाँ पिपराइच में था। और आप क्या बनते हैं? मैं घोड़े पर सवार होते हैं। आप घोड़े पर सवार होते हैं जी? तो घोड़ा आप चलाते हैं जी। आप क्या करते हैं? मैं खाली रेफरी करता हूँ, रेफरी का काम करता हूँ। देख रेफरी हैं आप, मतलब सबको गाइड करते हैं जी। कि कोई बच्चा खींचता है, कोई पुछ खींचता है, तो कोई खोदता है, कोई इधर उधर नहीं क्या छेड़छाड़ करते हैं बच्चे, उनको ही संभालते हैं। तो आप डांटते हैं बच्चों को? बच कोई भालू बन गया तो उसको चिढ़ाएंगे, तो कोई शेर बन गया बच्चे तो... लोग नहीं क्या चिढ़ते हैं? और कभी हाव किया तो बच्चे गड्ढे में भागते हैं तो उनको रोकना है कि ऐसा ना कि गिरे, किसी का गिरते हैं तो मुंह भी टूटता है। और छोटे छोटे बच्चियाँ हैं और भाई लोग भी इतना घबरा जाती हैं कि वो शेर का सिंह जो है ना बहुत खतरनाक होता है, वो जब बन जाएगा तो कोई भी आदमी उलट जाएगा डर के मारे। डर के मारे अभी जो शेर है वो एकदम आम इंसान जैसे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि शेर होते हैं तो डर जाते हैं। सीन रखे हैं ना, वैसे सीन रखे हैं उसमें, वो पहन लेने के बाद भी आप भी डर जाएंगे। दो मिनट के लिए कोई भी रहता है तो आप लोग क्यों उधर दूर चले गए चाचा? थोड़ा बात करिए ना, बताइए, इतने ठंडे में आपसे बतियाने के लिए रुके हैं। ये बताइए जब लगन वगन नहीं रहता है तब तो कोई आमदनी नहीं? नहीं लगन नहीं है तो दुकानदार है, सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं, हम भी कारोबार करते हैं। ये लोग जो है वो बस रोकना चाह रहे हैं लगन के बांधने से। हम लोग ये जो है लगन ले लेते हैं तो वहाँ जाना जरूरी होता है, बस्ती नौगढ़ नौतनवा कप्तानगंज महाराजगंज जाते हैं और रात में काम किए तो चल देते हैं। इस समय ठंडी का मौसम है, कोई साधन नहीं मिला, नहीं तो ऐसे मिल जाता है। नहीं तो गर्मी का सीजन रहता है तो साधन मिल जाता है। क्या मतलब ये काम बहुत आसान है कि बहुत कठिन है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत कठिन है लेकिन पेट है ना जो कराता है, पेट कराता है जी। अब साधन मान लीजिए ये लड़का का छुट्टी है, आ गया साथ में 500 पा जाएगा और चला जाएगा। टेम्पू आया आप लोगों को शायद पहुँचा दे गोरखपुर तक। गोरखपुर ले जाएंगे भैया? गोरखपुर तक जाएंगे? 12 बज रहा है रात में। जाइए चाचा, मिल गया साधन आपका, थोड़ा आसान हो गया काम, ठंडी है इतना। तो ये काम इतना भी आसान नहीं जितना लगता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानी रहने के बावजूद भी जब किसी समारोह में जाते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, जैसे चाचा भी मुस्कुरा रहे हैं कि किसी का समारोह फीका ना पड़ जाए, इसलिए मुस्कुराहट पूरी रहती है। जब ये भालू शेर बंदर जो भी ये बनते हैं उसमें पूरा जीते हैं, उसको उतरते हैं जी। मैं पूरे पब्लिक को खुश करता हूँ। कैसे करते पर सवार हो जाते हैं ना, लगेगा कि राजा साहब जा रहे हैं। पोशाक भी कुछ राजा का पोशाक है ना, पूरा मेरे पास पोशाक है सब जी। और मैं यही करते 35 बरस हो गया मेरा। अच्छा, 3 बच्चा है, 3 बच्चों को इलाहाबाद पढ़ा है, एक बच्चे PSC का जवान हुआ है। अरे वाह क्या बात है। और बाकी दो लोग? एक लोग जो है बड़ा वाला बच्चा है जो RTI पॉलिटेक्निक करके वो नोएडा में रहता है। आए हैं बोलने की? चलिए, तो हम अभी गोरखपुर में खड़े हैं, आ रहे हैं बिहार से, वापस जा रहे हैं। लेकिन सोचिए इस कड़ाके की ठंड में वो लोग जो किसी की शादी समारोह वगैरह में पहुँचते हैं, वो उस समारोह को जब उस समारोह में रहते हैं तो उसको रंगीन बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन उस समारोह के बाद जब ये सड़कों पर उतरते हैं तो अपने ठंड की वजह से परेशान, अभी अपने सर पे झोला बोरा रख के जो है वो चलते हुए आ रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा रुक के बतिया लें, इनका भी संघर्ष आपको दिखा दें। हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनके बारे में लोग सोचते नहीं। हमें पता है कि आपके घर में भी कभी शादी समारोह हुआ, आपने सट्टा दिया, काम ख़त्म, आपका शादी ख़त्म, लेकिन आप कभी पलट कर इनके बारे में सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि फुर्सत नहीं है, तो हमारे पास बहुत है, इसीलिए हम लोग बतिया लेते हैं इन लोगों से। बहुत धन्यवाद।